Hey guys, this is Logan94 and welcome to my YouTube channel. तो यहाँ पे मैं अपनी जर्नी फिर से चालू करता हूँ जहाँ पे मुझे रेड लाइट स्पिरिट ढूंढनी थी। तो बस मुझे यहीं से ही सामने कुछ रेड कलर का दिख जाता है जिसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वही रेड लाइट स्पिरिट होगी और उसी की तरफ मुझे जाना है। तो बस बिना वक्त गवाए मैं दौड़ते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था और ना ही इस गेम में कोई व्हीकल देते हैं, तो बस दौड़ते हुए मैं और उड़ते भी हुए और वही हमें स्पिरिट दिखाई देती है जैसा कि बताया था। तो बस वो लेने हम यहाँ से निकल पड़ते हैं, उड़ते कूदते दौड़ते, बस हमें उसी की तरफ जाना है। और एक स्पिरिट भी वहाँ पर हमें दिखती है, वो स्पिरिट भी हम बिना वक्त गवाए पहले ही हम वो स्पिरिट अनलॉक करते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि ये रेड लाइट हम अनलॉक करेंगे और बस यहीं से चालू होता है हमारा सफ़र। लेकिन हमारे हर सफ़र में एक गोले से हम बाहर ही निकल जाते हैं, क्योंकि इस गोले को मैं पसंद नहीं हूँ और मैं इस गोले को पसंद नहीं हूँ। तो बस एक दूसरे का साथ ना दे पाने की वजह से, और देना भी नहीं चाहते, फिर भी हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और स्पिरिट फॉलो करनी पड़ती है। तो बस इसमें भी ऐसा है, हम ये स्पिरिट फॉलो करते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इस गोले को भी अपने जहाँ से आया है वहाँ पे वापस जाना होता है, क्योंकि ये मुझसे परेशान हो गया है, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार बुलाया था। तो बस उसी का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं और उसका काम जल्दी ख़त्म हो वही सोते हैं और अपना काम ख़त्म करने की जल्दी से जल्दी प्रयत्न करते हैं। और ये मालूम नहीं ये क्यों ऐसे घुमा रही है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, इस लेवल का नाम है फॉरगॉटन आर्क, जो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर पहले से देख के आइए, क्योंकि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस वही करना है, उसके बाद ही आप एपिसोड देखिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट ही अगर आप रेड लाइट देखने आ गए हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीछे देखना ही पड़ेगा कि क्यों है यहाँ पे रेड लाइट और कैसे आई और क्यों आई और आपको कैसे मिल सकती है। तो वैसे मेरे सिर पर ये उड़ रही है, मैं चाहूँ तो उसे अभी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले इस स्पिरिट को रिलीज़ करूँ, उसके बाद में उसे लूँगा। तो बस उसी के काम में मैं आगे बढ़ता हूँ और इसे ख़त्म करने की अब ये आखिरी छोर पर आ गया हूँ, और अब मेरे ख्याल से ये ख़त्म होने ही वाली है, एक घास फूस में बदलने वाली है और उसको जला के मैं इसको अग्निदाह दूंगा और रिलीज़ कर दूंगा, क्योंकि हम इन लोगों के बच्चे हैं तो हम इनको अग्नि दे सकते हैं। बस अब मुझे इसे जलाना ही था, तो बस मैं इस तरह से इसे जला देता हूँ और इसकी स्टोरी भी चालू होती है, क्या हुआ है यहाँ पे वही देखने की और समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए और चल लिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा आता है टोपी पहन के और यहाँ पे पंखी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये खेत है, ये पंखी वहाँ पे दाने चुन रहे थे तो इस बच्चे ने आके उनको उड़ा दिया और वही इमोट हमको मिलती है और उसी के साथ इसकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। कितनी छोटी छोटी इनकी आखिरी ख्वाहिशें यहाँ पे पड़ी हुई थी और इनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली हुई थी, लेकिन हमने इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की, उनसे इमोट से की और उनको आत्माओं को शांति दे दी। और यहाँ पे रेड अलर्ट फिर से, और इस बार बस मुझे कुछ नहीं करना, ये रेड लाइट कलेक्ट करनी है। लेकिन तभी मैं और एक स्पिरिट देखता हूँ और उसे रिलीज करने उसके पीछे चले जाता हूँ और उसको भी थोड़ी लो दे देता हूँ, क्योंकि उसे भी रिलीज छुट्टा उसको भी मतलब क्या छुट्टा निकालना था यहाँ से। तो बस अब उसके पीछे जाते हुए हम यहाँ से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लो पकड़ने से मेरा हाथ जल उठे थे, लेकिन हम बिना डरे बिना हाथ का टेंशन लिए हम इन स्पिरिटों का पीछा करते हैं और उनकी मेमोरी बैंक को हम खोलते हैं। तो बस इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये रेड लाइट मेरी आंखों के सामने उड़ रही है, मैं उसे चाहते हुए भी अभी नहीं छू सकता, क्योंकि जैसे ही छूने की कोशिश की तो एक गोला चला जाएगा और मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता,
क्योंकि इतनी मेहनत से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये रेड लाइट की वजह से मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता, तो पहले मैं स्पिरिट को आज़ाद करूँगा और फिर मैं रेड लाइट की ओर बढ़ूँगा। लेकिन ये स्पिरिट बहुत ही घटिया थी, जो मुझे बहुत ही दूर दूर तक खींच के ले जा रही थी। अब देखिए, अब मुझे कहाँ पे खींच के ले जा रही है, इतना दूर आखिर ले कौन जा सकता है। पहले नीचे है, फिर नीचे से अपने को यहाँ पहाड़ पे लाती है और बाद में बोलती है, नहीं भैया मैं तो नीचे रह गई, मुझे नीचे ही आना होगा तुमको मुझे छुड़ाने। तो बस अब मैं उसे छुड़ाने नीचे जाता हूँ, क्योंकि कुछ स्पिरिट घटिया क्वालिटी की भी होती है। बस ये उसी घटिया क्वालिटी में से ही एक स्पिरिट है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। घटिया क्वालिटी हो या अच्छी सी क्वालिटी हो, हमें उसको रिलीज करना है और करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं नीचे जाने में बहुत कतरा रहा हूँ, क्योंकि ये गोला नहीं छूटना चाहिए, और इसी के साथ मैं नीचे चला जाता हूँ और इस स्पिरिट को अपने आगे बढ़ने के लिए उसे थोड़ा रास्ता देता हूँ, जो मुझे दिखाती है कि आपको यहाँ से अंदर आना है। तो बस मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, और अंदर जाते ही क्या देखता हूँ मैं, मेरा गोला पीछे रह गया। तो वापस मैं अपने गोले में आता हूँ, लेकिन यहाँ गोले में आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे थोड़े क्रीचर भी मेरे साथ है जो मुझे मारने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। और तभी मैं पानी में आ गिरता हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ कम हो रही थी। देखा, बिल्कुल इसी तरह मुझे मारने के मेरे पीछे पड़े, लेकिन फिर भी मैं उनसे नहीं डरता और इन स्पिरिट के पीछे लग जाता हूँ। और ये स्पिरिट मुझे दूर ही ले जा रही थी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये बहुत ही गंदी स्पिरिट थी, जिसका मोटो था मेरे को हो सके उतना दूर ले जाना। और यहाँ पे क्रीचर भी थे, उनका भी मोटो था मैं जाऊँ और वो मुझे मारे, लेकिन मैं उनको फीडबैक भी ना दे सकूँ, क्योंकि मैं उनसे डरता हूँ। क्योंकि हम इसमें बहुत ही डरपोक लिए हुए हैं। और इसी के साथ अब और यार कितना आगे ले जाएगी तू, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। और तभी हमें पीछे एक अपडेट भी दिखता है, लेकिन पहले आत्मा को मुक्त करना है, फिर अपडेट लेंगे। और ये क्रीचर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आखिरी था और घास फूस भी मुझे दिख गई थी जिसे मुझे जलाना था। तो बस अभी इसको कलेक्ट करके इस स्पिरिट को हमें रिलीज ही करना था। तो बस अब एक घास फूस की ओर हम बढ़ते ही जा रहे हैं, और जैसे ही उसको उठा लिया इस स्पिरिट को, और एक घास फूस वाले के अंदर, इंसान के अंदर चली गई, एलियन के अंदर चली गई, और उसे हमने रिलीज कर दिया। और ये वहाँ से खड़ा होता है, इसकी दाढ़ी भी है जो हमें कुछ सिखाता है, मालूम नहीं क्या सिखाता है, लेकिन उसकी स्टोरी बिल्कुल कुछ इस तरह से है। इसी गुफा के अंदर आया, उसके दिल से कुछ निकाला, नीली रोशनी जो यहाँ तालाब के अंदर घुस जाती है, और बस वही होता है और कुछ नहीं। और बाद में टीण ने करता है और गायब हो जाता है, जो हमें वही सिखाता है टेने। तो हमारा रेड अलर्ट आ जाएगा थोड़ी देर में, तब हम फिर से टेने करेंगे। और ये अब हमें अपडेट लेने जाना है, क्योंकि अपडेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हम रेड लाइट को छूने वाले हैं। क्योंकि वो क्रीचर ने मेरी काफ़ी सारी हेल्थ कम की थी, और मैं उनको रिप्लाई में, मतलब फीडबैक कुछ दे नहीं पाया था, तो अब मेरी हेल्थ फुल करके मुझे उनको फीडबैक भी देना था। और जैसे ही आप ऊपर दे सकते हैं, रेड अलर्ट आ गया था, तो मैं सोचता हूँ कि स्पिरिट लेने के बाद, मतलब ये थोड़ा सा अपडेट करने के बाद मैं उसे चेक करूँगा। तो देखते हैं मैं चेक करता हूँ क्या, नहीं स्पिरिट तो मैंने ले ली और मेरा थोड़ा अपडेट भी हो गया। अब मुझे बस रेड लाइट ये निकालनी थी, तो बस हम निकल जाते हैं और यहाँ रेड लाइट के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और इसके साथ हमें कहते हैं कि धन्यवाद, आपने रेड लाइट कलेक्ट कर ली है, और यहाँ पर मैं अपना
चेक करता हूँ, टेन एन एन मतलब नया इमोट। और अब मैं जहाँ से आया था वहीं पे मुझे वापस जाना था, क्योंकि वो बोल दिया था कि आप जहाँ से आए थे उसी एलियन के पास अब आपको वापस जाना है। तो बस उसी एलियन के पास जाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए कितना चलना पड़ता है, पैर भी दुख जाते हैं, मेरी हाथ भी दुख जाते हैं, ये जो चद्दर हिलाते हिलाते। इतना थकने के बाद भी आप एक लाइक भी नहीं करते वीडियो को, तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन लाइक करना इज़ इम्पोर्टेंट, कमेंट भी इज़ इम्पोर्टेंट। तो बस अब हम आगे दौड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें उस एलियन के पास जाना था जो हमें सारे मिशंस दे रहा था। और यहाँ पे देखा इतनी बड़ी जगह है, लेकिन हम अकेले ही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिचार्ज करते हैं खुद को, क्योंकि हमारी उड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा रिचार्ज खत्म होता है और हम इस बीच वाले गंदे इंसान की ओर बढ़ देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम उसको कहते हैं कि हमें रेड लाइट मिल गई है, जो हम उसे दे देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड अलर्ट दिखाया था वहाँ पे आपको टिक करना पड़ता है, जिससे वो अपनी आप अपनी रेड लाइट उसे दे देंगे जो आपने कलेक्ट की है, बिल्कुल इसी तरह। और जैसे ही आप उसे रेड लाइट देते हैं वो उसके साथ खेलता है, थोड़ा नाचता है, कूदता है, और जो पीछे टूटे हुए पत्थर या बोट जैसा कुछ पड़ा है उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पे रखे हुए उन बोटों पे बने हुए भित्ति चित्र उभर आते हैं, मतलब दीवार के दीवार पे बने चित्र उभर आते हैं या बन जाते हैं, जो भी हो वो हमें दिखने लगते हैं। और एक सुंदर सा और एक टूटी हुई बोट का दृश्य हमें दिखता है, लेकिन हम उसे भी इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे हम एक अपना दिलड़ा कलेक्ट करते हैं, राइट वाली चीज़ें, क्योंकि लेफ्ट वाली तो रॉयल पास लेफ्ट वाली तो पास वाली है, जिसके पास पैसे हो वो ले सकते हैं, गलत नहीं है लेकिन ले सकते हैं। तो मैं खाली अकेला आरटी लूँगा क्योंकि मैं फ्री प्लेयर हूँ, और ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि आप प्योर वाटर के लेक में जाइए, वहीं पर आपको ब्लू लाइट मिलेगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।